हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। सुबह के बज रहे हैं 5:30, तो मैं 5:30 बजे उठी। बाकी खाना बनाती हूँ, फिर आगे का ब्लॉग दिखाती हूँ आपको। ओके, बने रहिए हमारे साथ। तो गाइस, मैंने खाना तो बना लिया, लंच भी पैक कर लिया, ये देखो। और बाकी मैंने चाय भी पी ली है। और अब मैं बस कपड़े चेंज कर लिए, रेडी होने जा रही हूँ। तो गाइस, आप लोग बताओ कौन कौन ऑफिस जाता है और कौन कौन हाउसवाइफ है। ओके गाइस, तो आगे का ब्लॉग दिखाते हैं आपको, बने रहिए हमारे साथ। गाइस, आज मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं मेकअप जल्दी जल्दी कैसे करती हूँ। मैं लेट होती हूँ ना, तब तो आप देखते हो। पहले मैं लगाती हूँ ये, इससे फेस ड्राई नहीं होता। Lakme sunscreen, इससे फेस ड्राई नहीं होता, अच्छा होता है। विंटर्स के लिए बहुत अच्छा है। आप इसको लगा के धूप वगैरह में भी जा सकते हो। इसका जो टेक्चर होता है वो थोड़ा फाउंडेशन वाला होता है। कम होंगे शायद पहला। हम लगाते हैं फिटमी का फाउंडेशन, आप देख सकते हो फिटमी। मैं ज़्यादा नहीं लगाती, थोड़ा ही लगाती हूँ। आप मुझे देख सकते हो, कम मात्रा में ही है, इतना ही काफ़ी होता है। और आप देखना, ये भी उठ गए हैं सो के। अभी तो ठंड लग रही है, सुबह से उठते हैं। अब हमको एक ठंड लग रही है, तो गाइस हम रेडी होते हैं। इसको जो ना एक तरफ से चीज़ और बोलते हैं, मैं आपको बताती हूँ। इसको एक तो हम बोलते हैं अपनी भाषा में मेकअप। ओके, तो बहुत से लोग बोलते हैं इसको क्या, पुट्टी। इसको हमेशा डॉट डॉट में लगाना चाहिए, इससे क्या है कहीं ज़्यादा कहीं कम नहीं होगा। तो गाइस, आज मैं आपको पूरे ब्लॉग में रखूँगी, आप मेरा पूरा ब्लॉग देखना। ये का बहुत अच्छा होता है,
सबसे मेन चीज़ होता है मेकअप का बेस। अगर बेस अच्छा बन गया ना तो आपका मेकअप बहुत अच्छा होता है। और जब कहीं जाते हैं पार्टी या फंक्शन में, कभी भी इस तरह से नहीं लगाते जैसे मैं लगा रही हूँ। अभी तो क्या, मैं ऑफिस जा रही तो कम मात्रा में ही लगाई, इसीलिए मैंने उसको पूरे फेस पे डिप किया है। इसको हमेशा ये पुश कर करके लगाते हैं इस तरह से, उससे क्या ठीक से अच्छे से बैठ जाता है ये, ठीक है, फटाफट मेकअप नहीं लगता। और दूसरी चीज़ जो हम इस तरह से लगाते हैं उससे क्या है, स्किन जो है लूज़ पड़ती है। जैसे अब हम ऐसा करेंगे तो स्किन देखो लूज़ पड़े खींचेगी ना, और ऐसे टिप टिप होने से नहीं होगा। तो हमेशा इसको ऐसे ही लगाएं, मेरी तरह गलती ना करें जो मैं कर रही हूँ। वो मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ, मैं आज ही कर रही हूँ जल्दी जल्दी, मैं भी नहीं लगाती। गाइस मेरा बेस बन चुका है, आप लोग बताना अब मेरा फेस कैसा लग रहा है। तो गाइस अब हम लगाएंगे लाइनर लगाएंगे ब्लू। ये भी बहुत अच्छा है, वाटर प्रूफ है, जल्दी से हटता नहीं है, अच्छी क्वालिटी इसमें बहुत अच्छी है। तो हम लगाएंगे लाइनर। तो गाइस देखना मैं लाइनर कैसे लगाती हूँ, आपको इधर से दिखाई नहीं देगा, मैं आपको इधर से दिखाती हूँ। पट्टी वाले बलियान धोए ऐसे ऐसे बलियान, ये ना धोपाई, वो वैसे धोती है वैसे ठीक दे दी। यार तुझे एक काम ठीक से ही ना होता यार, पूरा दिन मेरा कल काम में निकल गया फिर भी कह रहे हो है। मेरे पेट में दर्द रहा फिर भी मैंने किया। कैसे वाले धोए, कहाँ है यार, यार ठंड लग रही, जल्दी बता। पिंक वाला होगा इसमें देखो, पिंक वाला कैसा हो, बस वही धोया। अरे आज धो दूंगी और इसे वाले में निकाल के रख गया, अगर मेरे की धो देगी। ओहो मैं कब हो गया भाई, दिखा रही हूँ। हाँ दिखा रही हूँ। ओ मैं ये लगा चुकी, हटाई से फटाफट दे देता। कल मैं पूरे दिन काम में लगी रही फिर भी कह रहे कि क्या नहीं किया क्या कर किया। देखिए मुझे रह गई क्या फायदा, मुझे मोजे इसमें है छोटे वाले पहले यार, मैं भी लेट हो रही है। लो गाइस अब मैं भरती हूँ मांग, मांग भरते हैं फिर
लिपस्टिक लगाऊंगी। ये मेरी किट है, मेकअप किट। दोनों कलर लगाती हूँ, पिंक। तो भैया जूते पोते लिए अपने लिए? हैं? नहीं। कहाँ का जूते कंपनी जब मेरे साथ चला? लाइट भाग गई। क्या क्या बात है, सुबह सुबह क्या ओ तुम चल पा बस मेरा मेकअप हो चुका पूरा। दिखाते हैं आपको आगे ब्लॉग, चलते हैं ऑफिस, बने रहिए। तो मैं घर से निकल रही हूँ। हाँ हाँ तैना जो रोता पर यही स्कूल है वो, देखो काफ़ी बड़ा है और पढ़ाई बहुत अच्छी है इसमें, ये इसमें पढ़ता है। तो आज स्कूल आएगा वो, ये देखो कार्टून वगैरह स्कूल में लगे तो लगे होते हैं ना, बने होते हैं तो बच्चे खुश हो जाते हैं। तो बने रहिए, दिखाती हूँ आपको आगे का ब्लॉग। तो गाइस मैं ऑटो से तो उतर चुकी हूँ, बट मैंने ऑटो का फ़ोटो में चढ़ते समय या चलते समय मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि यार मैंने देखा फ़ोन छीनते हुए। वाह, बाकी मैं अब दिखा देती हूँ आपको। ये नोएडा का पुल है, बाकी मैं प्रॉपर तो नहीं बता सकती अभी, क्योंकि आपको पता है अगर प्रॉपर बता दिया तो कोई भी आ सकता है। क्योंकि यार भरोसा नहीं आज की दुनिया में। बाकी आप देख सकते हो, पहचान सकते हो, नोएडा में ही है। आपको एक चीज भी दिखा देती हूँ, शायद इससे पहचान लो।
हेलो गाइस। तो गाइस मैं ऑफिस से तो आ चुकी हूँ, बट सॉरी मैं ऑफिस का ब्लॉग नहीं बना पाई। तो गाइस बाकी मैं देखो खाने की तैयारी कर रही हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ क्या, मटर पनीर। तो गाइस आप लोग कैसे कैसे बनाते हैं एक बार कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि मेरे से कुछ गड़बड़ हो तो मैं आप लोगों से सीख लूं। कहते नहीं कुछ सीखने में अच्छाई, कुछ ना कुछ अच्छाई मतलब मिलता ही है कुछ ना कुछ। तो गाइस बाकी मैं अभी लहसुन छील रही हूँ, लहसुन छील के फिर मैं टमाटर वगैरह ये सब सामान रखा है, प्याज लाई हूँ, टमाटर लाई हूँ, 1 kg टमाटर है, 1 kg प्याज है, और मैं लहसुन लाई हूँ। लहसुन तो मैंने छील लिया है, बाकी मटर पनीर है गाइस। बाकी मैं थोड़ा सा थक रही हूँ पर खाना तो बनाना पड़ेगा, क्या करूँ। तो गाइस आप लोग बताना, मैं आ तो गई थी, मतलब गाइस मैं आ गई थी मतलब 6:30 तक आ गई थी, तो 7 बज के आधा घंटा हो गया मेरे को, क्योंकि बहन का बेटा आ जाता है तो उसके साथ उसी शैतानी कर लेती हूँ। वो जैसे मैं आती हूँ एकदम बोलता छोटी मम्मी छोटी मम्मी, तो इसीलिए थोड़ा सा उसके साथ एंजॉय कर लेती हूँ। बाकी अब मैं खाना बनाने जा रही हूँ, तो मिलते हैं फिर खाना बनाने के बाद, और आपको मैं दिखाऊंगी जरूर कि मेरी सब्ज़ी कैसी बनी है। तो आप लोग बताना मुझे कि अच्छी बनी है या ख़राब बनी है, बट इतनी अच्छी नहीं बनती पर कोशिश करूँगी कि अच्छी बने। तो आप लोग मुझे बताना बाकी अगर उसमें कुछ गड़बड़ हो देखने में, तो बाकी चखने में तो मैं खुद ही बताऊंगी। बाकी आप लोगों को खाना है तो आप लोग आ सकते हो, ठीक है। बाकी बनाते हैं मटर पनीर।